हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के नेक्स्ट मैच के संपर्क में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि लास्ट मैच यानी कि आईएसएल सीजन 10 के पहले मुकाबले में ही मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से शानदार रहा था। और जो अब नेक्स्ट मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, वह है 29 सितंबर को फ्राइडे को रात 8 बजे से इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में चेन्नई एफसी के खिलाफ। और आप सभी को पता ही है कि चेन्नई एफसी ने भी अपना पहला मुकाबला ओडिशा एफसी के खिलाफ हारा है और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, जो चेन्नई एफसी के हेड कोच है ओयन कोयल, वो एक चैंपियन कोच है, ये आप सभी को पता ही है। और ओयन कोयल जिस भी टीम को मैनेज किया है आईएसएल में, वो टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बस थोड़ी सी अनसेटल्ड जरूर है चेन्नई एफसी, लेकिन दोस्तों चेन्नई एफसी बहुत ही अच्छी टीम मानी जा रही है आने वाले आईएसएल सीजन 10 के लिए, क्योंकि उनका हेड कोच ओयन कोयल है और एक मास्टरमाइंड कोच है। और उसके बाद बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से, तो सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आ चुका है कि स्पेनिश डिफेंडर मिचेल जुबैको वापसी करेंगे ये आने वाले चेन्नई एफसी के मैच में। तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि जुडन कप के सेमीफाइनल में मिचेल जुबैको को रेड कार्ड दिया गया था, जिसके कारण आईएसएल सीजन 10 के ओपनिंग मैच में मिचेल जुबैको नहीं खेल रहे थे। और जो अगला मुकाबला है चेन्नई एफसी के खिलाफ 29 सितंबर को, उस मैच में मिचेल जुबैको बिल्कुल अवेलेबल होने वाले हैं। और दोस्तों, इस मैच से रिलेटेड प्लेइंग 11 का भी वीडियो आने वाला है जल्द ही, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड डेली अपडेट्स और न्यूज़ आप सभी को इस चैनल के द्वारा मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।